बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर अब कहीं भी कभी भी बिना किसी परमिशन के धरना प्रदर्शन आप नहीं कर पाएंगे और ना ही पुतला दहन किया जा सकेगा। दरअसल नगरीय पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन, यहां तक कि पुतला जलाने के लिए भी DCP की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसा ना होने पर संबंधित कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदर्शन के दौरान सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसका हर्जाना भी आयोजक को ही भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, भोपाल में अब जिस तरह से रैली और धरना प्रदर्शन करते थे लोग और पुतला दहन करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने परमिशन नहीं लिया तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर किसी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका हर्जाना भी प्रदर्शन के आयोजक को ही भरना पड़ेगा, भुगतना होगा। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं। तो जिले में धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। अब सभी प्रकार के आयोजनों की अनुमति लेनी होगी, धरना प्रदर्शन आंदोलन की अनुमति लेनी होगी, जुलूस रैली आम सभा के लिए भी अनुमति लेनी होगी, पुतला दहन और पद यात्रा, यहाँ तक कि रथ यात्रा की भी अनुमति लेनी होगी। तो जुलूस रैली आम सभा के लिए अब अनुमति लेनी होगी, वहीं पुतला दहन, पद यात्रा या फिर रथ यात्रा के अगर आयोजन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी होगी। वाहन रैली ज्ञापन कार्यालय की अनुमति लेनी होगी आपको, और अव्यवस्था फैलने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा, और साथ ही साथ अनुमति नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी आयोजक के खिलाफ, इसीलिए अनुमति लेना अनिवार्य है। शासकीय संपत्ति को नुकसान होने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा और किसी भी तरह के शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं करना है।